नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन मुंबई की ओर जा रही थी। गुजरात से मुंबई के रास्ते वापसी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ये घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक आरपीएफ के ही एक कांस्टेबल चेतन ने फायरिंग की है। इस घटना में 3 यात्रियों समेत आरपीएफ के एक एएसआई टीकाराम की मौत हो गई है। गोली मारने के बाद आरोपी कांस्टेबल ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी दो ही है। जीआरपी ने आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया है। रेलवे की ओर से भी इस घटना पर बयान सामने आया है। पश्चिम रेलवे के मुताबिक पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। इस घटना में एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों की मौत हो गई है। आरोपी दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी कांस्टेबल को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 5:23 की है। जयपुर एक्सप्रेस में जा रहे एक कांस्टेबल ने अचानक एएसआई पर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। ये घटना B5 कोच की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर गोलीबारी के पीछे उसकी मंशा क्या थी। ये इंसिडेंट बहुत ही दुखद है और हम लोगों का बिल्कुल दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये एक आरपीएफ के कांस्टेबल और एक आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर्स या 3 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिसमें जो आरपीएफ के कांस्टेबल ने तो सरेंडर कर दिया है और एएसआई और 3 पैसेंजर्स जो थे उनको हॉस्पिटल में अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो अभी खबर आई है कि उनको गोली लगी है। सर, ये तीनों की डेथ हो गई है या फिर सीरियसली इंजर्ड है? ये अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हमें। जीआरपी को हम लोगों ने सारा कुछ सौंप दिया है क्योंकि उनका जुरिसडिक्शन है, तो ये जैसे ही खबर वो कंफर्म करते हैं तो वी कैन से दैट, बट सिचुएशन में सही। राउंड फायर की बात करें तो कितने राउंड फायर हुए थे, इसकी क्या? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहली बार गोली चलाने के बाद वो शायद इधर उधर भागा है, तो इतना एग्जैक्ट कहना जब तक पूरी खबर ना आ जाए और सारे लोगों का एक बार ये ना हो जाए तो तब तक ये कहना था। पैसेंजर्स जो अंदर थे मौजूद B5 में, उनका भी कहीं ना कहीं आप विटनेस के तौर पे उनको भी एग्जामिन कर रहे हैं क्या है उसके, कितने लोग? जितने भी सारे विटनेसेस थे वो बोरीवली में भी उनसे बात की गई है और जो लोग बॉम्बे सेंट्रल तक आए थे उन लोगों से भी बात की गई है और जो पैंट्री कार का स्टाफ था और जो हमारे किसी कोच के अटेंडेंट थे उन लोगों से भी बात की गई है, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा था कि जिस वक्त सारे लोग ज़्यादा सोए रहते हैं, तो इसीलिए अभी वो जो पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कैसे। एक सवाल और पूछूंगा जी, ये जो आरपीएफ जो बता रहे हैं आप जी, शॉट फायर किया है जी, एएसआई पे किया है, तो वो उन दोनों में आपस में कहीं रिफ्ट है किसी का? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आई है हमारे पास। तो जो आरपीएफ फायर किया है उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब किस तरह की मानसिकता खराब थी? नहीं नहीं, हमारा एएसआई काफी कॉम्पिटेंट था और रेगुलरली अपनी ड्यूटी करता था, तो ऐसी कोई समस्या और या असामान्य चीज हम लोगों के सामने नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग था। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।